तो देखिए इसमें हम लोग आज जो ज्ञात करते हैं इंटरनल स्ट्रेंथ ऑफ प्राइमरी सेल यानी डेक्लांसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रतिरोध बॉक्स और वोल्ट मीटर। तो जिसका ऑब्जेक्ट अभी मैंने जो आपको बताया कि प्रतिरोध बॉक्स और वोल्ट मीटर की सहायता से लेक्लांसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें जो डिवाइसेस लेते हैं वो हमारे जो ऑपरेटर्स है, पहला ऑपरेटर क्या है यहाँ पे, लेक्लांसे सेल, क्या जिसे हम प्राइमरी सेल कहते हैं। और प्राइमरी सेल का मतलब क्या होता है, जिसका हम एक बार प्रयोग कर ले उसका दोबारा हम प्रयोग नहीं कर सकते, यानी दूसरे दिन यूज कर सकते हैं, उस टाइम यूज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जो इसमें जो आपका ये लेक्लांसे सेल लगा हुआ है और ये आपका इधर लगा हुआ जिंक की रॉड, क्या लगा हुआ है, ये कार्बन की पॉड होता है और ये जो दो इलेक्ट्रोड हो गए, क्या हो गए, पहला जो है किसका कार्य करता है, एनोड का, किसका कार्य करता है, ये जो आपका लेक्लांसे सेल है किसका कार्य करता है, एनोड का कार्य करता है, यानी पॉजिटिव चार्ज क्या देता है, और ये जो आपका जो है रॉड जो है जिंक रॉड, ये जो कार्य करता है कैथोड का, किसका कार्य करता है, ये क्या देता है हमको, निगेटिव चार्ज, क्या देता है, इसमें जो हमने इसको जल के अंदर रख दिया, ठीक है ना, और जल में जो है अमोनियम क्लोराइड, क्या लिया मैंने, अमोनियम क्लोराइड ले लीजिए, या NaCl का हम क्या करते हैं, विलयन तैयार करते हैं, क्या करते हैं, इसमें क्या मिला दिया, अमोनियम क्लोराइड, क्या मिला दिया जल के अंदर, और ये जो बन गया पूरा जो इससे बनते हैं जो जलीय विलयन बनाए से कहते हैं वैद्युत अवघट, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या बोलते हैं, यानी ये पॉजिटिव करंट पास करेगा, ये क्या करेगा, निगेटिव करेगा, क्लियर हो गया। इसके बाद इसमें जो आपका रेजिस्टेंस बॉक्स है, क्या है, प्रतिरोध बॉक्स, क्या दिया इसमें, इसमें दो साइड्स दिए हुए, एक आपका दिया पॉजिटिव से नोटेट करेंगे, एक किससे करेंगे हम लोग, निगेटिव से। इसमें देखिए जो जितने रेजिस्टेंस ये लगे हुए हैं इसके सामने लिखा हुआ, जैसे मैंने रेजिस्टेंस निकाला यहाँ से, इसके सामने लिखा हुआ 10 ओम, क्या लिखा हुआ, 10 ओम का है, यानी ये रेजिस्टेंस कितना है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को नोटेट करेगा, यानी वाय प्रतिरोध किसको बताएगी, यानी कैपिटल आर की वैल्यू कितनी होगी, 10, कितनी होगी, 10। अगर हमें चेंज करना है तो हम चेंज कर निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ से निकाल लिया 5 ओम, कितना निकाल लिया, तो ये है वाय प्रतिरोध, क्या है, ठीक है ना, यानी इसमें मैंने लगा दी ये 5 ओम का था। अब देखिए तीसरा इसमें जो यूज करते हैं लोग वोल्ट मीटर, क्या यूज करते हैं, अब वोल्ट मीटर में जो है यहाँ पे देखिए पहला जो खाना दिए थे पार्ट ये 0.5 कितना दे दिया, और 0.5 के अंदर जो है ये देखिए 0.5 क्या है, 5 बन रहे हैं, यानी एक खाने 0.5 वोल्ट के अंतर्गत कितने पार्ट है इसमें, 10, कितने पार्ट है, 10। अगर हमें निकालना वोल्ट मीटर का अल्पतमांक, क्या निकालना, लिस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, भाई इसमें कितने डिवाइडेड है, 10 खानों में डिवाइड है, टोटल कितने खाने में, 0.5 वोल्ट, कितना है, 10 से 0.5 में डिवाइड करो, 10 से 0.5 में डिवाइड करेंगे तो इसका अल्पतमांक आएगा 0.05, कितना आएगा, तो अल्पतमांक निकालना समझ आ गया, वोल्ट मीटर का अल्पतमांक इस करोड़ कितने हो जाएगा, 0.5 अपॉन जो अंदर जो खाने बने 0.5 के मिड में 10 से क्या कर दिया डिवाइड, तो कितना है 0.05 हो गया। अब ये वोल्ट मीटर का वर्क क्या भी बताएंगे, इसके पहले सारे बताते हैं, ये जो आपका प्लग कुंजी, क्या दिया हुआ, इसके साथ इसके क्या है, टैपिंग की, क्या है, टैपिंग की का प्रयोग करते हैं। अब देखिए इससे कनेक्टिंग कैसे करते हैं, कनेक्टिंग का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले जो लेक्लांसे सेल है इसका जो एक वायर जो मैंने लिया प्रतिरोध बॉक्स के एक साइड से मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, क्या कर दिया, अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के जो वोल्ट मीटर का जो पॉजिटिव चार्ज है किससे नोटेड होता है, देखो रेड है, इससे मैंने इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, क्या कर दिया, कनेक्टिंग वायर से मैंने जो है एक वायर यहाँ देखो कनेक्ट किया, इससे कनेक्ट करते हुए क्या आपका लेक्लांसे सेल, इसका दूसरा वायर किससे कनेक्ट किया, पॉजिटिव, तो देखिए पॉजिटिव वन साइडेड आता चला गई। इसके बाद अब इसमें जो दिया हुआ जिंक की रॉड, ये जो दिया ये निगेटिव चार्ज क्रिएट कर रहा, इसके एक सिरे को जोड़ते किससे जोड़ दिया मैंने यहाँ पे, प्लग कुंजी से, किससे जोड़ दिया, प्लग कुंजी के वन साइड से, दूसरे साइड को मैंने जोड़ दिया इसके निगेटिव से, किससे जोड़ दिया, वोल्ट मीटर के देखो निगेटिव से, ठीक है, इसी निगेटिव को किससे जोड़ दिया मैंने यहाँ, टैपिंग की के वन साइड से, फिर इसके दूसरे साइड से प्रतिरोध बॉक्स के दूसरे साइड से कनेक्ट कर दिया, किया कनेक्ट ये, अब ये वन साइड देखो, वन साइड क्या रहा, पॉजिटिव क्या रहा, और सेकंड साइड से क्या रहा, ये निगेटिव आ गया, दोनों एक साथ कंबाइंड तो है नहीं, पॉजिटिव अलग आ रहा और निगेटिव अलग आ रहा, ये क्लियर हो गया। अब इसे फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो कनेक्टिंग मैंने बता दिया, तो देखिए इसमें करना क्या होता है,
अब देखिए ये प्लग कुंजी रहेगा, ये आपकी टैपिंग की है, क्लियर हो गया। ये जब तक हम इसको प्रेस नहीं करते हैं ये कहलाता है खुला परिपथ, क्या कहलाता है ओपन सर्किट। खुले परिपथ में वोल्ट मीटर किसको वैक करता है, खुले परिपथ में होता है सेल से कोई धारा ना ली जा रही हो, यानी आई बराबर जीरो। तो लेसन बिटवीन ईएमएफ एंड वोल्ट मीटर यानी विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वी क्या हो जाता है। अगर देखो ये अभी ओपन है, ओपन की है यहाँ पे, टच किया प्रेस किया नहीं, ओपन पे क्या होता है ये किसको नोट करता है ईएमएफ को, किसको नोट करता है अप्रोक्स। जैसे देखिए यहाँ पे ले लिया मैंने, ये देखिए 1 वोल्ट है, 1 से कितना जा रहा 1.5, ठीक है ना। तो ये अप्रोक्स जो है जाता है अप्रोक्स, वैसे अदर वोल्टेज करते तो 1.3 समथिंग कितना जाएगा, जैसे यहाँ पे कितना जा रहा 0.5 है, और 0.5 यहाँ पे कितना दिया 0.5, और फिर 5 खाने आगे बढ़े हुए, ठीक है। तो अप्रोक्स जो है ये क्या है, खुले सर्किट पे किसको नोट करता है वोल्ट मीटर, विद्युत वाहक किसको करता है, यानी ई बराबर वी क्या होता है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हमने ऐसे 5 ओम का रेजिस्टेंस निकाला, कितने निकाला 5 ओम। अब ये मैंने टैपिंग की दबाया तो देखिए क्या हो रहा, सुई जो है किधर चली गई, नीचे की ओर डिफ्लेक्ट कर गई, यानी वोल्ट मीटर अब क्या हो रही बंद परिपथ, क्या बंद परिपथ में जो आपका वोल्ट मीटर है किसको रोटेट करेगा, विभवांतर को नापेगा, यानी वो क्या हो जाएगा 5 ओम पे, किस पे 5 ओम पे अप्रोक्स। इसे मान लीजिए आपका आगे 0.3 वोल्ट, कितना आ गया इसमें 0.3 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे अल्पत मान का, कितना करेंगे अल्पत मान कितना था 0.05 मल्टीप्लाई करो कितना है 0.15 आपने क्या निकाल लिया ये V क्या निकाल लिया, तो क्लियर हो गया। यानी बंद परिपथ ये V को नोटेट करेगा, यानी सेल से धारा ले रहे, तो टैपिंग की देखो क्लोज किया ये नीचे जा रहा, देखिए ये क्या हो गया टैपिंग की क्या हो गया क्लोज सर्किट, क्या हो गया क्लोज सर्किट पे हमने क्या 5 ओम का निकाला, और ये आपको स्लो दिखा रहा, पहली रीडिंग इससे निकाल लेंगे, फिर दूसरी इसको मैंने लगाया, अच्छा इसको मैंने निकाली 10 ओम का, कितने ओम का है 10 ओम। अब मैंने फिर यहाँ पे प्रेस किया और नीचे गया, यानी इसमें जो प्रोसेस जो है जितने ओम, जैसे 5 निकालेंगे 10 तो रीडिंग बदलते रहेंगे, ठीक है। मिनिमम कितने फाइंड आउट करेंगे 3, जैसे 5, 10, 15 निकाल लिया, उसके बाद फॉर्मूला क्या यूज करते हैं हम लोग, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर इन ब्रैकेट डी अपॉन बी माइनस 1 अपॉन बी माइनस 1, इससे सारे वैल्यू क्लियर हो गए। देखो कैपिटल आर की वैल्यू क्या हो गई यार 10 ओम, कितने होगी ई, तीनों स्थितियों में ओपन सर्किट में सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, तो क्या होगा 1.2, 1.3 जो भी आ जाए ई क्लियर हो गया। वी जब ये प्रेस करेंगे तो शो कर जाएगा इसके निकालने के आफ्टर में, यानी सारे मान क्लियर हो गए। स्मॉल आर निकल आए, स्मॉल आर क्या है सेल का प्रतिरोध, क्या है